बात मणिपुर की होगी। महीने भर से हिंसा की आग में झुलसते मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें तेज हो गई हैं। मणिपुर दौरे के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि हिंसा की शुरुआत हाईकोर्ट के फैसले से पैदा हुई गलतफहमी के कारण हुई है, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। शाह ने मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस की माने तो हिंसा की जिम्मेदार खुद बीजेपी ही है। अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं एक जल्दबाज फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो ग्रुपों के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। हिंसा के लिए हाईकोर्ट के फैसले को जिम्मेदार ठहराया और हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस से ही जांच का ऐलान भी कर दिया। इम्फाल में मीडिया से मुखातिब केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में अमन की कोशिशों का ब्यौरा भी दे दिया। ये 3 दिनों के अंदर मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में इम्फाल, मोरे, चूराचांदपुर, कॉम्पोक्वी सभी जगह जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और आहत लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया है। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मीटिंग की है। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। अमित शाह ने कहा कि हिंसा से जुड़े 6 मामलों की जांच सीबीआई करेगी। जिन लोगों ने पुलिस थानों से हथियार लूटे हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस करना होगा। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरसी का रजिस्टर्ड कर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। शाह ने गवर्नर की अध्यक्षता में शांति समिति बनाने की घोषणा की तो साथ ही हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। मंगलवार को पुणे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी कहा था कि मणिपुर के हिंसा जातीय संघर्ष के कारण हुई है न कि उग्रवाद के कारण। इट्स प्राइमरी क्लैश बिटवीन टू एथनिसिटीज एंड इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर काइंड ऑफ अ सिचुएशन व्हिच वी आर हेल्पिंग द स्टेट गवर्नमेंट। सो व्हाइल वी वर देयर टू फाइट इंसर्जेंसी दैट लेवल सर्टेनली। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा में अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है जबकि हजारों लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। 2 दिन पहले मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण मणिपुर जल रहा है। सारे काम काज खत्म होने के बाद अभी अमित शाह जी को याद आया कि एक बार चलो मणिपुर घूम के आए, मौसम भी ठीक रहेंगे, वहां थोड़ा रेस्ट भी हो जाएंगे, आराम फरमाने के कोई इंतजाम भी हो जाएगा, चलो थोड़ा मणिपुर घूम के आए। नहीं तो देखिए मणिपुर कब की घटना और आज अमित शाह जी को याद आई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द क्वेश्चन टू द यूनियन होम मिनिस्टर्स, व्हाई डिड इट टेक हिम 3 वीक्स टू गो देयर? ही शुड हैव बीन देयर मच बिफोर। ही वांटेड इट टू बिकम लाइक दिस सिचुएशन। द सेकंड क्वेश्चन इज हिज चीफ मिनिस्टर मिस्टर बीरेन्द्र सिंह सेज इट्स एन इंसर्जेंसी, बट द चीफ ऑफ द आर्मी
the CDS, sorry, says that it is not an insurgency. It is between two tribes, the issue. So we need to know what is the truth because it is not an insurgency. It is between two tribes. मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मैतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय से पहले रियासत काल में उन्हें जनजाति का दर्जा हासिल था और अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाए। लेकिन मणिपुर की नगा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर मैतेई को आरक्षण मिला तो इससे उनके अधिकार कम हो जाएंगे। पिछले साल सीएम बीरेन्द्र सिंह की सरकार ने चूरा चांदपुर के वन क्षेत्र में बसे नगा और कुकी जनजाति को घुसपैठिया बताते हुए वहां से निकालने के आदेश दिए थे। इससे नगा और कुकी नाराज चल रहे थे। मैतेई हिंदू धर्मावलंबी है जबकि एसटी वर्ग के अधिकांश नगा और कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले। यही वजह है कि विपक्षी दल बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है। इधर राज्य में शांति बहाली की कोशिशों के बीच मणिपुर के डीजीपी पी डुंगेल का तबादला कर दिया गया। अब 1993 बैच के आईपीएस अफसर राजीव सिंह नए पुलिस चीफ कप्तान बनाए गए हैं। प्रशांत देव और कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24।